Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. So guys, today I'm going to do the tomato and sugar scrub, which is very good for your skin and gives an amazing results from the first use itself. And इसका सबसे बड़ा plus point ये है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी, बहुत easy है ये. Okay, so for this we need a tomato. तो हमें इसको इस तरीके से लंबे से काट लेना है. आप इसको ऐसे मत कट कर लीजिएगा, क्योंकि कैसा होता है ना, ऐसे आप जब भी अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है. एंड जब भी हम इस तरीके से काटते हैं तो उसमें आधा जो अंदर का पल्प रहता है वो अंदर ही रह जाता है, बाहर अच्छे से स्किन पे नहीं अप्लाई हो पाता है. तो इस तरीके से लंबे से काटिएगा. एंड पूरा टोमेटो यूज नहीं होने वाला है, सिर्फ हाफ यूज होने वाला है. एंड देन फोक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से यहाँ पे आप इसमें थोड़े से इस तरीके से कर लीजिएगा कि अच्छे से पल्प हमारे स्किन पे अप्लाई हो पाए. बी केयरफुल अगर आप नाइफ से कर रहे हैं तो. एंड देन ये हो गया, उसको साइड में रख देते हैं. उसके बाद वी जस्ट नीड 1 tablespoon ऑफ शुगर पाउडर. तो शुगर पाउडर एक आप बाउल में ले लीजिए. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको शुगर पाउडर लेना है, डायरेक्टली शुगर नहीं यूज़ करनी है. अगर आप डायरेक्ट शुगर यूज़ करेंगे तो आपके छोटे छोटे जो दाने होंगे वो डैमेज होके और ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे, स्किन पे भी रैशेस हो सकते हैं. स्किन मतलब आपको स्किन पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी आपको जब भी स्क्रब यूज़ करने के लिए कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो आपको ज़्यादातर बोलते हैं कि आप माइन्यूट स्क्रब यूज़ कीजिए. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, एंड आप जितना दानेदार चीनी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होने की चांसेस होती है, जबकि जो शुगर होती है बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए. तो मेक श्योर कि आप उसका पाउडर बना लें फिर यूज़ करें. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फेस वॉश कर लेना है, मेकअप की स्किन पर या ऐसे स्किन पर ना लगाए. मेक श्योर कि आप पहले अपना फेस वॉश कर लें. उसके बाद बाउल में जो आपने शुगर पाउडर लिया होगा और इसको आप पहले तो हल्का सा स्क्वीज कर दीजिएगा, ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, हल्का सा करना है कि वो इस तरीके से ओपन हो जाए. एंड अच्छे से आपकी स्किन पे उसका जो अंदर का एक्सट्रैक्ट होगा वो अप्लाई होते जाएगा. तो जैसे ही स्क्वीज किया इसको इस तरीके से कीजिए यहाँ पे, एंड देन इस पर शुगर आ जाएगी. सी जैसे ही शुगर आती है आपको इसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशंस में बहुत ही जेंटली मसाज करना है. ऐसा नहीं कि आपको रगड़ना है, बहुत जेंटली आपको करना है, ओनली 1 to 2 minutes के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है. तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 1 to 2 minutes के लिए स्क्रब, एंड बहुत ही जेंटली करना है गाइस. मेक श्योर दैट बार बार डिप करते रहना है एंड स्क्रब करते रहना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप ये उसके आजू बाजू ही कीजिएगा. अगर बहुत बड़े साइज के पिंपल्स हैं तो पिंपल्स के ऊपर ना इसे स्क्रब करें, उसके आजू बाजू कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको पिंपल है तो उसके ऊपर ना करें, उसके आजू बाजू करें ये. एंड छोटे छोटे पिंपल है तो उस पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होगा. इनफैक्ट उसके लिए पिम्पल की साइज बढ़ने नहीं देगा एंड काफ़ी इफेक्टिव होगा. तो पूरा अपने फेस पे इसे स्क्रब कर लें. इनफैक्ट आप इसे अपने पूरे बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, हाथ पैर पे भी यूज़ कर सकते हैं. एंड वेन यू आर डन विद द स्क्रबिंग, स्क्रबिंग होने के बाद इसे आपको वॉश नहीं करना है, 10 to 15 minutes के लिए आपको छोड़ देना है. जैसे ही 10 to 15 minutes हो जाएंगे उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा एंड मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा. ओके, नाउ लेट मी इन्फॉर्म यू द बेनिफिट्स ऑफ टोमेटो एंड शुगर स्क्रब. तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपका सनटैन रिमूव करने में हेल्प करता है, सेकंड है कि आपकी स्किन को टाइटन कर देता है, थर्ड है कि इट प्रिवेंट्स एक्ने, पिंपल्स प्रिवेंट करता है, फोर्थ है कि डीप क्लेंस कर देता है पोर्स को, तो आपके पोर्स अच्छे से क्लेंस हो जाते हैं. एंड उसके बाद ये आपका स्किन का ऑयल जो रहता है उसे कंट्रोल करता है, एंड लास्टली आपकी स्किन को स्मूथ रखता है और ब्राइटन कर देता है. एंड 10 to 15 मिनट्स मैंने रखा था ऐसे, एंड मैंने वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से.
काफ़ी स्किन स्मूथ हो जाती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इसके बेनिफिट्स बताए थे, तो मेक श्योर कि आप इसे 10 से 15 मिनट ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ स्क्रब करके वॉश कर दे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। 10 से 15 मिनट्स रख के छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जैसे ही आप वॉश करेंगे, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है आपको, हॉट या ल्यूकवॉर्म वाटर से नहीं करना है। वॉश करने के बाद मेक श्योर कि आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें अपनी स्किन पर। तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आप इस टोमेटो एंड शुगर स्क्रब को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो यू कैन यूज इट ओनली वंस अ वीक, उससे ज्यादा आपको नहीं यूज करना है। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसे वंस या ट्वाइस अ वीक यूज करना है। एंड अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको इसे ट्वाइस अ वीक यूज करना है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे थ्राइस अ वीक यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन का गैप छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली डे बाय डे आप यूज करें। अगर आप मंडे यूज करें तो ट्यूजडे ना यूज करें, वेडनेसडे को यूज कर लें। इस तरीके से आप गैप रख के यूज कर सकते हैं। एंड मेक श्योर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि आप इसको वीक में अगर 3 बार यूज करें तो 3 बार के ऊपर वीक में से ना यूज करें। सो गाइज, डू ट्राई दिस स्क्रब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। एंड सबसे अच्छी बात इस स्क्रब की ये है कि ये मेल एंड फीमेल दोनों भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नीचे जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू सो मच गाइज।